हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे चिकन चाइनीज़ नूडल्स, वो भी हेल्दी और वेजिटेबल्स के साथ, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत ही मज़ेदार, वो भी घर में पड़ी हुई चीज़ों से। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले एक कैरेट, एक कैप्सिकम और 1/4 कैबेज कट करके ले लिया है। अब इन्हें अच्छे से पील करने के बाद इन्हें जूलियन कट कर लेंगे। तो ये देखिए, सभी को मैंने कट कर लिया है और शिमला मिर्च में जो सीड्स थे और वाइट पार्ट था उसे निकाल कर इसे अच्छे से कट किया है। और यहाँ पे मैंने हाफ अनियन को स्लाइस कट कर लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ 150 ग्राम बोनलेस चिकन लिया है, इसको भी जूलियन कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, ये भी पूरी तरीके से जूलियन कट हो गया है, लंबे लंबे स्लाइसेस में हमने इसको कट कर लिया है। इसके बाद हम इसे मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेशन के लिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है 2 टीस्पून सोया सॉस, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर और 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। अगर आपके पास हो तो ऑयस्टर सॉस भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अक्सर वो घर पे नहीं होता, इसलिए मैं नॉर्मल चीज़ों से ही इसे बना रही हूँ। इसके साथ ही 1 टीस्पून विनेगर भी डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। विनेगर से यह जूसी भी बनता है और जल्दी से गल जाता है। तो इसके साथ ही अब यहाँ पर एक सॉस तैयार कर लेंगे, जिसमें 2 टेबल स्पून सोया सॉस ऐड किया है, 2 टीस्पून विनेगर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टेबल स्पून हनी ऐड करेंगे। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून चिली सॉस भी इसमें ऐड करेंगे। तीखा आप अपने हिसाब से लें, इसमें चाहे आप ग्रीन चिली या ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लें, इसे भी एक तरफ रख लेंगे। अब एक वेसल में 2 लीटर पानी डाला है हमने और इसे बॉयल करेंगे। इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट और 1 टेबल स्पून ऑयल, जिससे कि हमारे नूडल्स चिपकेंगे भी नहीं। ये हमने नूडल्स लिए हैं, हक्का नूडल्स का पैकेट आता है, हमने वो लिया है और इसको ऐसे ही इसमें डाल देंगे। इन नूडल्स को हम तोड़ेंगे नहीं, जिससे कि ये लंबे लंबे बने। इसी से नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो धीरे धीरे ये पानी में चले जाएंगे और अच्छे से बॉयल हो जाएंगे। तो इसे बॉयल करने के लिए हम 7 मिनट तक इसे बॉयल करेंगे। इतने में ये 70 से 80% तक अच्छे से गल जाएंगे। तो इसे पकते हुए 7 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, लंबे लंबे और काफ़ी पके हुए लग रहे हैं हमारे नूडल्स, अच्छे से गल चुके हैं। अब इनको निकाल लेंगे और एक वेसल में शिफ्ट कर लेंगे और इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, जिससे कि अच्छे से इन पे जो ग्रीजिंग हो जाएगी ऑयल की, तो ये बिल्कुल भी चिपके नहीं और खिले खिले बनेंगे। तो अच्छे से मिक्स कर दें ऑयल को इसमें और इसको एक तरफ रख दें। अब यहाँ पर एक पैन ले लेंगे या कढ़ाई ले लें और उसमें ऐड कर दें 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। जैसे ऑयल हल्का सा गर्म हो जाएगा, उसमें 1 टीस्पून गार्लिक को बारीक बारीक चॉप करके ऐड करेंगे और उसके थोड़ा सा ब्राउन होते ही उसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को पैन में डालकर अच्छे से चलाएंगे और 7 से 8 मिनट तक इसे भूनेंगे इसमें, जब तक कि ये सॉफ्ट ना हो जाए। उसके बाद जो आधी अनियन हमने कट की थी स्लाइस कट, उसको भी इसमें डाल देंगे। हल्का सा चलाएंगे, इसका भी कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्की से बस सॉफ्ट हो जाएंगी। और उसमें सारी ही सब्जियों को जो जूलियन कट की थी हमने, उन्हें ऐड कर देंगे और उनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करेंगे तो, क्योंकि इनमें क्रंच रहना चाहिए। तो हल्का हल्का फ्राई करेंगे। अभी तक हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है, तो इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग ले फ्रेंड्स। और चिकन को भूनते हुए काफ़ी वक्त हो गया है, तो ये देखिए चेक करके देखेंगे, पूरी तरीके से गल चुका है। अब बस इसमें हम नूडल्स को ऐड कर देंगे। ये देखिए, नूडल्स बिल्कुल भी चिपके नहीं हैं, खिले खिले हैं बिल्कुल। इन्हें अच्छे से इसमें मिक्स कर देंगे और जो सॉस हमने तैयार किया था उससे उसको इसमें ऐड कर देंगे, जिससे इसमें चाइनीज़ टेक्सचर आएगा। इसको अच्छे से मिक्स कर दें टोंग की मदद से या स्पून से। ये देखिए, पूरी तरह से इसमें मिक्स हो गया है सॉस। अब इसमें से थोड़े से हमने स्प्रिंग अनियन को चॉप करके ले रखा है, तो उन्हें थोड़ा सा ऐड कर देंगे।
उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। तो ये देखिए 2 टेबल स्पून के करीब स्प्रिंग अनियन को चॉप करके इसमें ऐड कर दें। और ये देखिए हमें गर्मा गर्म बहुत ही इजीली बहुत ही आसानी से हमारे चिकन चाइनीज नूडल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। मार्केट से भी बेटर बनते हैं, बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं और बच्चे और बड़ों सभी को घर पे बहुत पसंद आते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप फ्रेंड्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत पौष्टिक होते हैं, हेल्दी होते हैं, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें बगैर नहीं जाइएगा और अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा और हम बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कभी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।